हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू लर्न विद इतिमन। चलिए आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करने का श्रेय प्राप्त है। मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करने का श्रेय प्राप्त है। ऑप्शन है प्रयोजनवादियों को, संरचनावादियों को, मनोविश्लेषणवादियों को या सभी को। तो देखिए, ये बिल्कुल भी सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा शिक्षा मनोविज्ञान के बेसिक से। एक क्वेश्चन हमेशा आता है, तो इसका सही आंसर जो है वो होगा संरचनावादियों को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टू, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना किसके द्वारा तथा कब की गई? विलियम बुंट 1879, वॉटसन 1880, स्किनर 1879 या मैस्लो 1881। तो फटाफट से सोचिए इसका सही उत्तर, और आप फटाफट से कमेंट में अपना आंसर जो है क्वेश्चन वाइज लिखते जाइए कि क्वेश्चन टू का आंसर जो है वो क्या है, वन है, टू है, थ्री है या फोर है। तो इसका जो आंसर है वो है राइट आंसर विलियम बुंट 1879। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थ्री, साइकोलॉजी में साइके शब्द का क्या अर्थ है? तो साइकोलॉजी, जो कि मैंने अपने नोट्स में बहुत अच्छे से क्लियर किया था, साइके और लोगस से मिलकर बना है, जिसमें साइके का अर्थ क्या है, चेतना है, आत्मा है, व्यवहार है या अध्ययन है। तो इन चारों में से आपका सही उत्तर क्या होगा, साइके का अर्थ क्या होता है? तो देखिए इसका सही उत्तर जो है, फटाफट से आंसर लगाना है आपको, तो इसका आंसर जो है वो है आत्मा। साइके का अर्थ होता है आत्मा, ठीक है, और लोकस का अर्थ क्या होता है, विज्ञान, आत्मा का विज्ञान। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर फोर, साइके व लोगो शब्द यूनान की किस भाषा से लिए गए हैं? लेटिन भाषा से, अंग्रेजी भाषा से, संस्कृत भाषा से या ग्रीक भाषा से। तो आप लोगों की साइकोलॉजी की तैयारी जो है वो बहुत अच्छी चल रही होगी, फटाफट से आंसर लगाइए इन चारों में से कौन सा आपका उत्तर सही है। ऐसे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाएगा। तो देखिए इसका सही उत्तर, जो है वो होगा ग्रीक भाषा। हम बिल्कुल जीरो से ही प्रैक्टिस जो है वो कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला चैप्टर जो है वही मैंने लिया है। मनोविज्ञान के विकास का सही क्रम है मन, चेतना, आत्मा और व्यवहार। चेतना, मन, आत्मा या व्यवहार, आत्मा, चेतना, मन या व्यवहार, आत्मा, मन या मस्तिष्क, चेतना या व्यवहार। यानी मनोविज्ञान का विकास जो है वो उसका सही क्रम क्या है, पहले उसे क्या माना गया, फिर उसे क्या माना गया। तो देखिए इसका सही उत्तर जो है वो क्या होगा, वो ये होगा ऑप्शन नंबर फोर, पहले आत्मा का विज्ञान माना गया, फिर मन या मस्तिष्क का, उसके बाद चेतना का और लास्ट में व्यवहार का विज्ञान माना गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्स, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, चेतना खोई और वर्तमान में व्यवहार के रूप में जाना जाता है। तो ये कथन किसका है, ये लाइन बिल्कुल क्रम से है मनोविज्ञान के विकास क्रम से। तो वॉटसन ने कहा, स्कीनर ने कहा, वुडवर्थ ने कहा या पेस्टोलॉजी ने कहा। तो ये जो डेफिनेशन है वो किसकी है, तो देखिए यहां पर जो सही आंसर है वो होगा वुडवर्थ। वुडवर्थ ने कहा पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन का या मस्तिष्क का, फिर चेतना का और वर्तमान में व्यवहार के विज्ञान के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन, निम्न में से आत्मा के विज्ञान का समर्थक मनोविज्ञानिक हैं। तो आत्मा के विज्ञान को कौन कौन मानते हैं, विलियम बुंट, वॉटसन, जॉन लॉक या अरस्तु। तो इसका सही आंसर क्या होगा, चैप्टर मैंने बिल्कुल आपको अच्छे से अपने खुद के नोट्स बनाए हुए YouTube चैनल पर डाले हैं, यूनिट वन और यूनिट टू के द्वारा, तो आप लोगों ने देखा होगा। तो इसका सही आंसर जो है वो है अरस्तु। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एट, मन के विज्ञान से पहले मनोविज्ञान का अध्ययन किस रूप में किया जाता था? तो हमने अभी इसका क्रम देखा था, आत्मा का, मस्तिष्क का, चेतना का या सभी का। तो देखिए मन के विज्ञान से पहले हमने देखा था कि इसे आत्मा के विज्ञान के रूप में माना जाता था। नेक्स्ट देखिए,
आधुनिक मनोविज्ञान है। आधुनिक मनोविज्ञान क्या है? मन का विज्ञान है, प्रेम का, बाल केंद्रित या व्यवहार का विज्ञान है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर हम आधुनिक मनोविज्ञान की बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन जो है वो ध्यान से देखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो सही आंसर जो है वो है व्यवहार का विज्ञान। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10। व्यवहारवाद का प्रणेता माना जाता है, किसे माना जाता है? स्किनर को, विलियम जेम्स को, वॉटसन को या वुडवर्थ को? तो इनमें से किसे व्यवहारवाद का प्रणेता माना जाता है? तो व्यवहारवाद का जो जनक है वो माने जाते हैं वॉटसन। ठीक है, तो आप लोग भी आंसर फटाफट से लगा रहे हैं। ये आपका क्या है? बिल्कुल सरप्राइज टेस्ट है। आज मैंने सरप्राइज टेस्ट ले लिया है, कल का टॉपिक जो है वो मैंने आपको बता दिया है, आप लोग क्या याद करके आएंगे। संस्कृति आदर्श नैतिकता की शिक्षा दी जाती है, आदर्शवाद में, प्रकृतिवाद में, मूल्य शिक्षा में या कोई नहीं? तो संस्कृति आदर्श और नैतिकता की शिक्षा दी जाती है, किसमें दी जाती है? आदर्शवाद में, प्रकृतिवाद में, मूल्य शिक्षा में या इनमें से कोई भी नहीं? तो देखिए शब्दों से ही पता चल रहा है कि मूल्य शिक्षा में हम संस्कृति आदर्श और नैतिकता की शिक्षा देते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। वर्तमान में शिक्षा प्रणाली है, कैसी है शिक्षा प्रणाली? अध्यापक केंद्रित है, मनोविज्ञान केंद्रित है, बाल केंद्रित है या संविधान केंद्रित है? तो शिक्षण विधियों के अंतर्गत भी आपको ये क्वेश्चन जो है वो मिल सकता है। तो साइकोलॉजी में भी ऐसे क्वेश्चन ही आपको पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए बिल्कुल इसका सही आंसर जो है वो बाल केंद्रित होगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13। शिक्षा मनोविज्ञान ने वर्तमान स्वरूप धारण किया 1905 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में, 1900 ईस्वी में या 1911 ईस्वी में? तो शिक्षा मनोविज्ञान ने वर्तमान स्वरूप जो है वो धारण किया है। इसका जो सही उत्तर होगा, देखिए वर्तमान स्वरूप जो है वो कब आया? 1900 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। शिक्षा मनोविज्ञान का सर्वोच्च कार्य या उपयोगिता है, तो सर्वोच्च कार्य पूछा है, बालक के विकास को जानना, ये सही है, वंशक्रम को जानना ठीक है, बौद्धिक स्तर को जानना ये भी ठीक है, और अध्यापक को बालक की योग्यताओं और क्षमताओं से परिचित कराना। तो देखिए ऑप्शन जो है वो चारों ही सही है अपनी जगह पर, लेकिन पूछा है यहाँ पर सर्वोच्च, सबसे उच्च जो कार्य है या उपयोगिता वो क्या है शिक्षा मनोविज्ञान की? तो यहाँ पर जो बिल्कुल सटीक आंसर बैठेगा तो वो होगा अध्यापक को बालक की योग्यताओं और क्षमताओं से परिचित कराना, ये सबसे बड़ा कार्य होता है शिक्षा मनोविज्ञान में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। बाल विकास का कार्य है, ऑप्शन देखिए, शिक्षा प्रदान करना, बालक के संपूर्ण विकास का अध्ययन करना, नैतिक विकास करना, नैतिक शिक्षा देना या बालक को स्वस्थ बनाना? तो हम सभी जानते हैं, हम लोग कर भी रहे हैं, हम लोग टीचर बनने वाले हैं, आप लोगों को पता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि बाल विकास का कार्य जो है वो क्या है, बालक के ओवरऑल डेवलपमेंट, संपूर्ण विकास का अध्ययन करना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16। बाल मनोविज्ञान का जनक है, श्रीमती हरलॉक, पेस्टोलॉजी, पीन या फ्रायड? तो यहाँ पर फ्रायड जो है वो थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। बाल मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं श्रीमती हरलॉक, पेस्टोलॉजी, पीन या फ्रायड? तो देखिए इसका सही उत्तर जो है वो क्या होने वाला है? तो आंसर जो है वो होगा पेस्टोलॉजी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17। शिक्षा व्यक्ति के व्यक्तित्व के समस्त पहलुओं से संबंधित है, यह कथन किस मनोविज्ञानिक का है? कौन कहते हैं कि शिक्षा जो है वो व्यक्ति के व्यक्तित्व के समस्त पहलुओं से संबंधित है? कॉल सैनिक, मैकडूगल, स्किनर या वॉटसन? तो ये कथन किसका है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के समस्त पहलुओं से संबंधित है एजुकेशन? तो आंसर जो है वो होगा स्किनर, ये कथन है स्किनर का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18। शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के सभी अनुभवों का वर्णन एवं व्याख्या करता है। शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से वृद्धावस्था तक
सीखने के सभी अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। तो आंसर जो है वो होगा क्रो एंड क्रो, वुडवर्थ, वॉटसन या ड्रेवर। तो ऐसा कौन कहता है? मैंने जब आप लोगों को नोट से पढ़ाया है तो वहां पर मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी कि बच्चा जो है वह जन्म से वृद्धावस्था तक काँव काँव करता है, ऐसा मैंने आपको ट्रिक में बताया था। तो आंसर जो है वो होगा क्रॉ एंड क्रो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19, मनोविज्ञान को आचरण का यथार्थ विज्ञान किसने माना? ड्रेवर ने, थॉर्नडाइक ने, नन ने या मैकडूगल ने? तो किसने माना है आचरण का यथार्थ विज्ञान? तो इसका सही उत्तर जो है वो ये होगा, ये मानने वाले हैं मैकडूगल। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20, मनोविज्ञान विज्ञान है, साइंस है, क्यों है ये? क्योंकि मानव व पशु के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इसमें अध्ययन हेतु विभिन्न परीक्षण विधियां ये प्रयोग में लाई जाती हैं। मनोविज्ञान विकास की सभी अवस्थाओं का क्रमबद्ध अध्ययन करता है या इसमें विभिन्न अनुसंधान होते हैं। तो देखिए एक सीधी सी बात है कि साइंस में हम क्या करते हैं, साइंस में हम बहुत सारे क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, बहुत सारे मेथड का यूज करते हैं। तो यहाँ जो सही उत्तर होगा वो ये होगा कि मनोविज्ञान विज्ञान है, क्योंकि यहाँ हम विभिन्न परीक्षण जैसे व्यक्तित्व का परीक्षण, बुद्धि परीक्षण और विभिन्न तरीके की जो शिक्षण विधियां हैं वो सब हम यूज करते हैं, इसीलिए मनोविज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। अगला देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, मनोविज्ञान मानव एवं पशु के सभी व्यवहारों का अध्ययन करता है। तो ये डेफिनेशन जो है वो किसकी है, वॉटसन की, मिलर की, प्याजे की या ड्रेवर की? तो इन चारों में से सही उत्तर क्या होगा, जिसने कहा है कि मनोविज्ञान मानव एवं पशु के सभी व्यवहारों का अध्ययन करता है। तो यहाँ जो आंसर होगा वो सही कौन सा होगा? तो देखिए आंसर जो है वो रहने वाला है बिल्कुल राइट, ड्राइवर के अनुसार। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 22, शिक्षा नैतिक एवं आदर्श की भावनाओं का विकास करती है, निर्णय लेने की क्षमता है, अंतर्निहित शक्तियों का विकास करती है या शिक्षण करने को तैयार करती है तथा रोजगार देती है? तो देखिए एग्जाम में भी चारों ऑप्शन जो है वो सही लगते हैं, लेकिन हमें तो एक ही आंसर चूज करना है। तो अब आप अपना माइंड जो है वो अच्छे से यहाँ पर लगाइए कि शिक्षा क्या है, नैतिक एवं आदर्श की भावनाओं का विकास करती है, निर्णय लेने की क्षमता है, अंतर्निहित शक्तियों का विकास करती है या शिक्षण करने को तैयार करती है या रोजगार देती है? तो यहाँ जो सही आंसर है वो होगा अंतर्निहित शक्तियों का विकास करती है, क्योंकि देखिए निर्णय लेने की क्षमता, तो जो पढ़ा लिखा नहीं है क्या वो निर्णय नहीं ले सकता? निर्णय ले सकता है वो भी, और जरूरी नहीं है कि रोजगार केवल शिक्षा ही दिलाए, अनुभव जो है वह भी रोजगार दिला सकती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर सी होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 23, किस वाद के समर्थकों का मानना है कि मन की संरचना को जानना इतना जरूरी नहीं जितना इसके कार्यों को? तो ये कौन मानते हैं, संरचनावाद मानते हैं, प्रकार्यवाद मानते हैं, मनोविश्लेषणवाद मानते हैं या व्यवहारवाद मानते हैं? क्योंकि आपका जो एग्जाम जो है वो अप्रैल में ही हो जाना चाहिए था, तो अब आपको इन क्वेश्चन को आंसर देने में परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग रिवीजन भी कर चुके हैं एक तरीके से, फिर भी हम यहाँ रिवीजन करते रहेंगे। आंसर जो है वो ये होगा आप लोगों का, प्रकार्यवाद, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 24, संरचनावाद का अध्ययन विषय था, ऑप्शन देखिए संवेदना, अधिगम, व्यवहार या अंतर्दृष्टि। तो संरचना यानी स्ट्रक्चर, तो संरचनावाद का अध्ययन विषय जो था वो क्या था, इन चारों में से सही आंसर जो है वो क्या होगा, संवेदना, अधिगम, व्यवहार या अंतर्दृष्टि? तो आंसर जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है, संवेदना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 25, 19वीं शताब्दी में अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत किसने की? स्टैनली हॉल ने, प्लेटो ने, क्रो एंड क्रो ने या हर्डलॉक ने? तो 19वीं शताब्दी में अमेरिका में जो बाल अध्ययन हुआ था
उस बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत जो है वो किसने की थी? तो इन चारों में से जो सही आंसर है वो क्या होगा, स्टैनले हॉल, प्लेटो, क्रोएनक्रो या हर्डलॉक? तो इसका जो सही आंसर जो है वो होगा स्टैनले हॉल। ठीक है, तो ये अंतिम प्रश्न था। थैंक यू।